नमस्कार, रिटर्न स्वदेश में मिटके मसाला में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मनोगिरी। और देखिए, कहने का आज भारतीय बाजार में फिर से वापस से मजबूती देखने को मिल रही है। लगातार तीसरा ऐसा दिन था जब भारतीय बाजार में खरीदारी देखने को मिल रही है। वापस से निफ्टी जो है दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुंचने की कोशिश कर रहा है। आज निफ्टी का हाई देखिए 19371 का है और वापस से 19350 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं बाजार में मजबूती कायम है। गैप अप ओपनिंग के बाद पिछले तीन दिनों का ट्रेंड यही देखिए, गैप अप ओपनिंग के बाद बाजार उसको सस्टेन कर रहा है, नीचे की तरफ नहीं जा रहा है। बैंक निफ्टी देखिए, वहाँ भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। अब मजबूती के साथ कह सकते हैं 43500 के ऊपर ट्रेड करा। इंट्राडे में जो हाई था 43636 का था और लो जो था 43415 के आसपास का था, तो कह सकते हैं कि बेहद टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है गैप अप करने के बाद। लेकिन 43500 के ऊपर लगातार टिका हुआ है। और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए, यहाँ तो शानदार रैली देखने को मिल रही है। कह सकते हैं कि कई सारे ऐसे शेयर्स हैं जहाँ पे एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है और लगातार मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में हम देख रहे हैं खरीदारी का रुझान बना हुआ है। कुछ स्टॉक्स देखिए फटाफट, फिर अपने जानकार से समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से क्या करना चाहिए। आज के ट्रेड में देखिए आरती इंडस्ट्रीज करीब 10% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। छोटे पॉकेट वाले स्टॉक्स देखिए आज के ट्रेड में, वहाँ एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। जयप्रकाश पावर देखिए करीब 20% का अपर सर्किट लगता हुआ दिख रहा है। बजाज हिंदुस्तान देखिए 12% की मजबूती देखने को मिली। जो छोटे छोटे शेयर्स हैं इसकी कीमतें कम होती हैं, उन शेयरों में बड़ी रैली देखने को मिल रही है। हालांकि इन तमाम शेयरों में आपको बच के रहना चाहिए, थोड़ा संभल के ट्रेड करना चाहिए। HBL पावर देखिए, वहाँ करीब 10% की मजबूती है। आयोनिक्स विंड में हम वापस से खरीदारी देख रहे हैं, करीब 9% की मजबूती देखने को मिल रही है। रिलायंस पावर में देखिए करीब 8% की मजबूती। इसके अलावा आप देखिए कुछ और स्टॉक्स, जहाँ जेके सीमेंट में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। एक और छोटे प्राइस का स्टॉक्स देखिए डिश टीवी, वहाँ करीब 5% 5.5% की मजबूती देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं ना, प्राइस वाइज जो शेयर छोटे हैं जिनकी कीमतें थोड़ी कम हैं, उसमें वापस से मोमेंटम बनता हुआ दिखा। हालांकि जब गिरते हैं तो इन शेयरों में काफ़ी तेज़ गिरावट भी देखने को मिलती है। तो क्या यह संकेत दे रहा है कि अभी फिलहाल फिर से मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर में बड़ा पैसा बनेगा? बात करते हैं 3 घंटे के ट्रेड की। और 3 घंटे का ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ निर्मल बंग के नीरव छेड़ा जुड़ चुके हैं। नीरव नमस्कार। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बाजार में एक मजबूती देखने को मिल रही है और हर रोज निफ्टी जो है कहीं ना कहीं एक पुराने अपने हर्डल को, रेजिस्टेंस को पार कर रहा है, गैप अप के साथ पार कर रहा है, आपको लगता है कि 19500 का लेवल अब ज्यादा दूर नहीं है? गुड आफ्टरनून मनीष जी। देखिए, निफ्टी की बात करें पर से 18800 का एक बढ़िया सपोर्ट था और वहाँ से निफ्टी ने बहुत अच्छा एक रिवर्सल दिया है। एंड इन दिस रिवर्सल जो डेटा था वो पहले से ही पॉजिटिव था, तो इतना सेलिंग होना नहीं चाहिए था। गोइंग फॉरवर्ड आप देख रहे हैं कि विक्स अभी भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है, PCR इज पॉजिटिव, जो ओपन इंटरेस्ट थे शॉर्ट्स कवर होते हुए दिखे। सो आई बिलीव अब यहाँ से जो रैली है, देर आर चांसेस के 19590 जो कि अपना 50-day मूविंग एवरेज है इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर, वो लेवल तक निफ्टी फ्यूचर पहुंच सकता है, शायद उसके ऊपर भी जा सकता है। तो वो टारगेट के साथ में बाइंग करी जा सकती है, करंट लेवल से भी करी जा सकती है। अब जो सपोर्ट उभर के आ रहा है वो 19360 का है, तो ये एक लेवल इंपॉर्टेंट था जो पार कर लिया है निफ्टी ने फ्यूचर में। अब यहाँ से 19360 के स्टॉप लॉस से 19590 या 19600 के टारगेट के साथ में निफ्टी की बाय करी जा सकती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है, वो है बैंक निफ्टी ने अपना 200-day मूविंग एवरेज ब्रेक किया है ऊपर की साइड में। काफ़ी समय से कोशिश कर रहा था बैंक निफ्टी, वो पार नहीं कर पा रहा था, मगर फाइनली पिछले हफ्ते में हमने देखा कि बैंक निफ्टी ने अपना 200-day मूविंग एवरेज जो कि 43200 के पास में है वो पार किया। अब यहाँ से काफ़ी अच्छी अपसाइड आ सकती है। जो शॉर्ट्स हमने देखे हैं बैंक्स में वो कवर होते हुए दिखेंगे और काफी बढ़िया रैली दिख सकती है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ बैंक्स। तो यहाँ से बैंक निफ्टी भी ऊपर में अराउंड 44200 के लेवल्स तक आ सकती है, तो अच्छा खासा एक अच्छा जंप आ सकता है। और ऑलरेडी वो वहाँ पे 50-day मूविंग एवरेज है अराउंड 42300, तो आई बिलीव वो टारगेट के साथ में आप बाइंग करें। नीचे में अराउंड 43200 का अच्छा सपोर्ट है, वो अब स्टॉप लॉस बना के चले। और स्टॉक स्पेसिफिक भी अगर आप देखें तो बैंक्स शुड बी इन फ्लेवर इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ट्रेडिंग सेशंस, तो बैंक्स में आप ज्यादा ध्यान दें, उसमें अच्छा पैसा बनने का चांस। शेयरों में वापस अब ध्यान देने की बात नीरव कर रहे हैं, उनको लगता है कि बैंकिंग स्टॉक्स में यहाँ से आपको एक अच्छा पैसा बनता हुआ दिखेगा। वैसे मिड कैप में कौन सा शेयर अभी पसंद आ रहा है आपको खरीदने के लिए?
देखिए, मेरे हिसाब से बैंकिंग सबसे बेस्ट काउंटर है, पर यहाँ पे आज के लिए, क्योंकि मुझे दो ही काउंटर देने होते हैं, मुझे लगता है ये दोनों ही काउंटर्स काफी बढ़िया ऊपर जा सकते हैं और अच्छा क्षमता है। तो पहला है बेयर क्रॉप। देखिए, ये स्टॉक ज्यादा जबान पे आता नहीं है काफी लोगों का, इनफैक्ट मैंने भी 2-3 साल बाद इसका बाय कॉल दिया है। बेयर क्रॉप में देखिए क्या हुआ है, 2 साल का कंसोलिडेशन हुआ एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में, उसमें ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट रिटेस्ट हुआ 4800 के लेवल्स पे, और फिर अब वापस रिवर्सल आया है। बहुत ही बढ़िया रिवर्सल है, आई बिलीव यहाँ से ये स्टॉक में क्षमता है कि जहां से नीचे आया 6600 से नीचे आया है तो 100% रिट्रेसमेंट करेगा इन द कमिंग टाइम, बट बहुत ही जल्द 5800 से 6000 के लेवल तक जाएगा, शायद अगले 2-3 ट्रेडिंग डेज में ही। तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं, 5170 का स्टॉप लॉस लगाए, 5800 का आपका पहला पड़ाव रहेगा। दूसरा जो मेरा बाय कॉल है, कॉन्फिडेंस पेट्रो पे है। देखिए, ऑयल एंड गैस सेक्टर एज अ होल काफी बढ़िया कर रहा है और इसमें एक बहुत बढ़िया पैटर्न बनी है। ये स्टॉक में भी एक ब्रेकआउट आया था 80 के लेवल्स के ऊपर और उसके बाद ये स्टॉक 100 तक गया था, पर वहां से नीचे आया, रीटेस्ट किया अपना ब्रेकआउट लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे, जो कि बहुत बढ़िया पैटर्न है, और फिर रिवर्सल आया है। सो यहाँ से आप कॉन्फिडेंस पेट्रो भी खरीद सकते हैं, 81 का स्टॉप लॉस लगा है, 95 से 100 तक के टारगेट इसमें दिख रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस पेट्रो में खरीदारी करने की सलाह 95 रुपये से लेकर 100 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिलेगा। 81 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। इसके अलावा उनको बियर क्रॉप साइंस पसंद आता है, यहाँ खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। 5800 रुपये का लक्ष्य होगा, 5170 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना। यहाँ से उनको लगता है कि अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। अब चूंकि नतीजों का सीज़न चल रहा है तो अब नतीजों पर बात करते हैं, और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं दूसरी तिमाही के नतीजों पर बात करने के लिए। हमारे साथ बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO रजनीश कर्नाटक जुड़े हैं। इनसे समझते हैं कि जिस तरीके से नतीजे हैं, नतीजे काफ़ी बेहतर देखने को मिले, खासतौर पे कंपनी के NI के फंड पे देखिए, मुनाफे के फंड पे देखिए, बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है। समझते हैं कि ये कैसे मुमकिन हुआ और आने वाले दिनों के लिए बैंक की और क्या मैनेजमेंट की योजना है। शुक्रिया सर इटन ऑफ स्वदेश को समय देने के लिए, रजनीश सर, और तमाम रिजल्ट पे चर्चा करने के लिए। पहले सवाल के साथ ही शुरुआत करते हैं। जिस तरीके से हमने देखा है कि आपका प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वहाँ एक बेहतर ग्रोथ देखने को मिल रहा है, करीब 30% के आसपास का साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रहा है, वो भी तब जब लगातार हम देख रहे हैं खर्चे बढ़ रहे हैं उसके बावजूद। इसको कैसे देखते हैं और आने वाले दिनों में क्या इसको आप कायम रखने में सक्षम रहेंगे? इस क्वार्टर के अगर आप रिजल्ट्स हमारे देखेंगे तो वी हैव गिवन अ प्रॉफिट ऑफ 1450 करोड़ के आसपास हमने प्रॉफिट दिया है, जो आप सही कह रहे हैं कि पिछले क्वार्टर से थोड़ा कम है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ा है बाय 50% प्लस। सो दैट इज वन पॉइंट विच इज देयर। बट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि अगर आप देखेंगे हमारे रिजल्ट्स को डिटेल में, तो हमने शिफ्ट करा है न्यू टैक्स रिजीम में। सो न्यू टैक्स रिजीम का मतलब यह है कि जो प्रेजेंटली हम 35% टैक्स जो पे कर रहे थे, उसकी जगह नाउ वी हैव टू पे ओनली 25% ऑफ द टैक्स ऑन द प्रॉफिट विच वी मेक। सो इस बार भी जो प्रॉफिट आया है, अगर हम ओल्ड रिजीम में ही रहते तो हमारा प्रॉफिट 2100 करोड़ के आसपास रहना था, जो न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट करने के बाद कम हुआ है, बिकॉज उसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में एडजस्ट करना था। गोइंग फॉरवर्ड दिसंबर और मार्च क्वार्टर ऑनवर्ड्स ये जो हमारा टैक्स है वो 25% पे ही लगेगा। सो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि जो हमने आप लोगों को गाइडेंस लास्ट टाइम पे दी थी कि 30% से हमारा POP रहेगा, प्री ऑपरेटिव प्रॉफिट रहेगा आफ्टर टैक्स, सो वो गाइडेंस कंटिन्यू करती है एंड वी विल मेंटेन दैट गाइडेंस। रजनीश जी, हमने देखा है कि कासा रेशियो की बात करें, यानी करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट की बात कीजिए, तो वो करीब 43% का के आसपास का है, और अगर पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री की बात की जाए सेक्टर की, तो इसमें कह सकते हैं कि इंडस्ट्री का जो मापदंड है उससे बेहतर है एवरेज के मुकाबले। ये कैसे मुमकिन हो पा रहा है और आने वाले दिनों के लिए क्या आउटलुक है इस पूरे कासा रेशियो को लेकर? जहां तक कासा की बात है, हमारा 43% प्लस पे हमारा कासा है। अमाउंट में अगर मैं बात करूं कि 2,56,000 करोड़ का हमारा कासा है सेविंग एंड करंट अकाउंट। सो बहुत स्ट्रांग फ्रेंचाइज है बैंक ऑफ इंडिया की। अगर हम इंक्रीज ग्रोथ की बात करें इसमें ईयर ऑन ईयर की, परसेंटेज टर्म्स में 6% से हमारा कासा बढ़ा था, एब्सोल्यूट नंबर्स में हमारा 14,000 करोड़ से कासा बढ़ा है। फ्रेंचाइज की जहां तक बात हो रही है तो 5,100 हमारी ब्रांचेज हैं, जिसमें काफी सारी सेमी अर्बन एंड रूरल ब्रांचेज हैं। देन वी हैव ATMs और CRM मशीन्स हैं जो 8,000 प्लस हमारी वो मशीन्स हैं। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे 18,000
के आसपास हमारे बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स हैं, ये सारा जो हमारा फ्रेंचाइज है दैट हेल्प्स अस इंप्रूविंग द कासा। और अगर हमारे आप कस्टमर बेस की बात करें तो 11 करोड़ का हमारा कस्टमर बेस है जहां से हमें कासा आ रहा है। ओवर द लास्ट 3-4 मंथ्स जो हमने किया है, हमने कस्टमर सर्विस काफी इंप्रूव करी है, बहुत सारी चीजें ऑपरेशनल एफिशिएंसी में हमने करी है ताकि कस्टमर सर्विस इंप्रूव हो, नंबर वन। नंबर टू, हमने बहुत सारे टाइप्स करे हैं कॉर्पोरेट्स के साथ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, जहां पर कि हमें करंट अकाउंट में बैलेंस मिल रहा है और सेविंग अकाउंट्स हमारे ओपन हो रहे हैं सैलरीड कस्टमर्स के। उसके अलावा हमने और भी कॉर्पोरेट्स के साथ टाइप करे हैं चैनल फाइनेंसिंग और अदर चीजों के, जहां पर कि हमें करंट अकाउंट में बैलेंसेस आ रहे हैं। तो वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि जो हमारा कासा का ग्रोथ है वो होगा एब्सोल्यूट नंबर्स में भी और परसेंटेज टर्म्स में भी, YOY में ग्रोथ होगा और हम अपना जो कासा 43% के आसपास में प्रोटेक्टेड रखेंगे। अगला सवाल, और कह सकते हैं आखिरी सवाल है रजनी जी, क्योंकि आपको जल्दी जाना है, जो एसेट क्वालिटी है उसमें हम देख रहे हैं कि लगातार जो है सुधार देखने को मिला है, काफ़ी मजबूत है। और अच्छी बात यह है कि आपका जो क्रेडिट कॉस्ट है वो लगातार घट रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं और आने वाले दिनों के लिए क्या आउटलुक है इसको लेकर? बिल्कुल सेम ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू करेगा। इसके दो पार्ट हैं, एसएमए और एनपीए। जहां तक एसएमए की बात है, अगर आप 5 करोड़ एंड अबव का हमारा प्रेजेंटेशन में देखेंगे, एसएमए जो जून में हमारा अबव 5 करोड़ का एसएमए बुक था वो 14,000 करोड़ से थोड़ा ज्यादा था, जो अब घट के 5,700 करोड़ आ गया है सितंबर में जिस एसएमए का बुक। तो ये जो सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन एसएमए बुक हुआ है हमारा 5 करोड़ से ऊपर में, उसका मेन कारण यही है कि जो हमारे जोनल कलेक्शन सेंटर्स में हमने जो जोनल कलेक्शन सेंटर्स बनाए हैं, जहां पे जोन से हमारा स्टाफ ब्रांचेज में जा रहा है और एसएमए में कलेक्शंस कर रहा है, जिससे कलेक्शन एफिशिएंसी हमारे बैंक की बढ़ी है, नंबर वन। दूसरा, हमने इन स्टाफ को कस्टमर्स के पास भी भेजना शुरू करा है, एसएमए 0, 1 एंड 2 जो कस्टमर्स हैं वहां पे जाके ये लोग कलेक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से कलेक्शन एफिशिएंसी वहां पर भी बढ़ रही है। दूसरा जो हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज करी है फॉर रिटेल, जहां पे एसएमए हमारा हो रहा था, हमने देखा कि ई नच मैंडेट्स हमारे यहाँ पे कुछ कम थे, जो वो अब इनेबल हो गए हैं इस क्वार्टर से। ये ई नच मैंडेट्स इनेबल होने के बाद रिटेल बुक में भी हमारा जो एसएमए नंबर है वो कम हुआ है। जहां तक एनपीए की बात है, आपने देखा ही है कि हमारा ग्रॉस एनपीए सिग्निफिकेंटली कम हुआ है, नेट एनपीए भी सिग्निफिकेंटली कम होकर 1.54% पे आ गया है। ग्रॉस एनपीए ऑलरेडी 5.84% पे आके सितंबर में है। इसकी वजह से हमारी जो क्रेडिट कॉस्ट है वो भी इंप्रूव हुई है, स्लिपेज रेशियो भी इंप्रूव हुआ है, एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि हम जो मार्च 24 के नंबर शो करेंगे उसमें जहां तक ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, क्रेडिट कॉस्ट और स्लिपेज रेशियो की बात है, इन सब में इंप्रूवमेंट आएगी। तो सीधे तौर पर रंजीत जी ये बताते हुए कि यहाँ से जो है आने वाले दिनों में जो है कंपनी के एसेट क्वालिटी, बैंक के एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिलेगा और प्रदर्शन में सुधार और आता हुआ दिखेगा। शुक्रिया रजनी जी समय देने के लिए इंटरनेट सदेश को, और आने वाले नतीजों के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका वहाँ से शेयर बताने के लिए, जैसा कि मैंने कहा था, वेंचर एक्सिक्यूटिव के विनीत बोलिंजकर जुड़ चुके हैं। विनीत जी नमस्कार, कौन सा शेयर को बतौर मिड कैप महाथी के तौर पर आप चुन रहे हैं? देखिए, हमें दो शेयर अच्छे लगते हैं। जोमेटो के नंबर्स बहुत ही बढ़िया बेहतरीन आए थे और हमें लगता है कि ये जो स्टॉक है ना, इसकी कंपटीशन जो हम लोग डंजो से इम्पैक्ट होगा ऐसे समझते थे। डंजो का परफॉर्मेंस भी अभी ज्यादा कुछ है नहीं क्योंकि वो बैक्ड बाय रिलायंस था, तो अभी जो एक थ्रेट परसेप्शन था फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग आर्म प्लेयर वो निकल चुका है और ये ड्यूओपोली रहेगा बिजनेस जोमेटो एंड स्विगी। और जिस तरह से इनके नतीजे आए हैं, सेकेंड क्वार्टर प्रॉफिट बताया है, उनकी ब्लिंकिट का बिजनेस रिबाउंड हो गया है, एंड इनका जो IRCTC के साथ जो पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो इसमें जो अपसाइड आएगी ना, कि एक स्टॉक में फ्रेंजी क्रिएट हो जाएगा और ये स्टॉक हमें लगता है कि बाय एट एनी प्राइस भी आगे जाके हो सकता है। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में एक मस्ट स्टॉक है, होना ही चाहिए। इट इज गोइंग टू बी द ब्लू चिप ऑफ द फ्यूचर एंड हमें लगता है कि ये हमारा टारगेट जो हमने दिया है 2 साल का 150 है, तो आपको ये भाव से 25% अपसाइड तो आराम से मिल रही है। शेयर होगा जो पसंद आ रहा है विनीत जी को, यहाँ से लगता है मजबूती देखने को मिल सकती है, 150 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा मैक्सेंस फार्मा आप पसंदीदा शेयर है ना एक और? यस, मैक्सेंस फार्मा हमें लगता है कि वैल्यू वर्सेस वैल्यूएशंस हमें लगता है कि बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक है, ये आपका पोर्टफोलियो में होना चाहिए। इस
इसके ना यूएस मार्केट या इंटरनेशनल मार्केट्स रिलेटेड न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शंस का कोई भी ज्यादा इसको रिस्क नहीं है, क्योंकि ये ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स बेचता है एंड इसकी ग्रोथ काफी अच्छी होने वाली है। इन्होंने केपेक्स भी कर चुके हैं और इसके बावजूद भी कैश है इनके बुक्स पे, एबिटडा एक्सपेंशन है, तो हमें लगता है कि इसका भी टारगेट 150 हो सकता है 2 साल के अंदर, और हमारा ये फार्मा सेक्टर का टॉप पिक है। वो स्टॉक्स की खरीदारी करने से विनीत जी ने बतौर मिड कैप का महत्व शेयर बताया, दोनों का लक्ष्य भी जो है 150 रुपये है, मैक्सन फार्मा 150 रुपये का लक्ष्य होगा, जोमेटो उनको पसंद है उसमें भी जो है आपको 150 रुपये का ही लक्ष्य रखना है। विनीत जी शुक्रिया दो महत्व शेयर बताने के लिए, और आपका भी शुक्रिया, आप जिस तरह से नीरा आपने तमाम शेयरों पर चर्चा की बीते आधे घंटे में, आपका भी शुक्रिया। मिड कैप मसाला में आज के लिए इतना ही, लेकिन